हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज, ब्रेक्स इक्वेशंस एंड लॉज पैटर्न। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज, आप डिफ्रेक्शन की बात करें, जब किसी पार्टिकल पर उसके आकार के कोटि के बराबर वेवलेंथ की किरणें आपतित होती हैं तो वे अपने मार्ग से डेविएट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, अर्थात वेव्स का डिफ्रेक्शन हो जाता है। और यदि पार्टिकल का ग्रुप है तो इसमें अनेक रेज डिफ्रेक्ट होती हैं और वो रेज क्या करती हैं, आपस में सुपर इम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस द्वारा पैटर्न बनाती हैं। मतलब फोटो प्लेट पर उनके धब्बों का एक पैटर्न बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं। जब समझ में आया आपको डिफ्रेक्शन, तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब किसी पार्टिकल पर उसके आकार की कोटि के बराबर तरंग दैर्ध्य की किरणें आपतित होती हैं तो वो अपने मार्ग से डेविएट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि उन तरंगों का, उन वेव्स का डिफ्रेक्शन हो जाता है। और यदि हम यदि मान लीजिए ये पार्टिकल्स ग्रुप की फॉर्म में है तो उसमें अनेक रेज डिफ्रेक्ट होंगी और ये रेज आपस में सुपर इम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रैक्टिव इंटरफियरेंस द्वारा फोटो प्लेट्स पर स्पॉट्स का, धब्बों का एक पैटर्न बनाती हैं जिसे हम डिफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं। अब आपके जो एक्स रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की होती हैं, जैसे कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की हैं तो उनमें डिफरेंस इंटरफेरेंस भी शो करना चाहिए और डिफ्रेक्शन भी शो करना चाहिए। पर ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ वेवलेंथ एक्सरे डिफ्रेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करना मुश्किल होता है। वेवलेंथ बहुत कम होती है इसलिए इसको, इसके डिफ्रेक्शन पैटर्न को डिमॉन्स्ट्रेट करना मुश्किल होता है। तो लव्स ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। तो लव्स ने ये सजेस्ट किया कि एक्सरे के वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए, लव्स ने क्या किया, एक्सरे के वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए एक क्रिस्टल थ्री डायमेंशन डिफ्रेक्टिंग ग्रेटिंग के समान कार्य कर सकता है। उसने ये सजेस्ट किया कि क्रिस्टल जो है वो थ्री डायमेंशन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के समान कार्य कर सकता है। उसने क्या किया कि क्रिस्टल लिया, क्यों कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं उनकी स्पेसिंग 1 एमस्ट्रॉन्ग की ऑर्डर की होती है। तो ब्रैक्स ने ये बताया कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल, हमने ये लिया है, ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, ये स्लिट्स बनी हुई है, ये क्रिस्टल है, जिंक ब्लाइंड क्रिस्टल है, और ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है। तो लव्स के अनुसार एक्स रेज का एक किरण पुंज जिंक ब्लाइंड क्रिस्टल में से गुजारने के बाद जो रिजल्टेंट पार्टिकल को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया और फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का इस तरीके से एक प्रारूप बना जिसको हम लव्स पैटर्न कहते हैं। क्या किया, एक्सरे क्रिस्टल का एक पुंज जिंक ब्लैंक क्रिस्टल पर में से गुजारा और जो रिजल्टेंट पार्टिकल्स को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया तो फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक विशिष्ट पैटर्न प्राप्त होता है जिसे हम लव्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेक्स ने लव्स पैटर्न के लिए बताया कि जब एक्सरे पुंज, यहाँ से आपका एक्सरे पुंज आया, क्रिस्टल्स में से होकर गुजरता है तो जो रेज हैं
वो लैटिस प्लेन में उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा डिफ्रैक्ट होते हैं। क्योंकि क्रिस्टल में डिफरेंट लैटिस एलिमेंट इंसिडेंट रे के संदर्भ में डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट होते हैं, अलग अलग उस पर अलग अलग एंगल से इंसिडेंट होते हैं, तो जो रेज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्ट होंगी। तो जो ये डिफ्रैक्टेड रे हैं ये सुपर इम्पोज आपस में सुपर पोजीशन से निर्मित कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द्वारा फोटो प्लेट पर धब्बों का एक पैटर्न बना लेती है जिसको हम लाउस पैटर्न कहते हैं। तो जब एक्सरेज क्रिस्टल पर पड़ती हैं तो हर एटम वेव को सभी डायरेक्शन में स्कैटर करता है और इस तरह वो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करने का सोर्स बन जाता है। जब एक्सरेज क्रिस्टल पर पड़ती हैं तो क्रिस्टल पर पड़ती हैं तो जो लैटिस प्लेन है तो उसमें जो हर एटम है वो वेव को सभी डायरेक्शन में स्कैटर करता है और इस तरह से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करने का सोर्स बन जाता है। और ये सेकेंडरी वेव्स जो कमिंग फ्रॉम एटम्स हैं इन वन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इन विच द फेज डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली इन अ डायरेक्शन इन विच द फेज डिफरेंस इज ऑल मल्टीपल ऑफ पाई। तो आपने देखा कि इन डिफ्रैक्टेड रेज के सुपर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट हुई, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफ्रैक्ट हुई और इन डिफ्रैक्टेड रेज के सुपर पोजिशन से निर्मित कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द्वारा फोटो प्लेट का धब्बों का एक पैटर्न बनता है जिसे आप लाउस पैटर्न कहते हैं। अब हम लेते हैं ब्रैग इक्वेशन। तो ब्रैग इक्वेशन में आपके पास क्या है, ये हमने कोई क्रिस्टल प्लेन ले लिया, ये आपका क्रिस्टल प्लेन है इस तरीके से, तो ये ए ए बी बी और सी सी एक क्रिस्टल के लैटिस प्लेन है। इनके तलों के बीच की दूरी मान लीजिए कि डी है। एक्स रे का एक मोनोक्रोमैटिक समानांतर किरण पुंज क्रिस्टल पर थीटा एंगल बनाता हुआ इंसिडेंट होता है। कुछ एक्स रे प्लेन ए ए में उपस्थित एटम से डिफ्रैक्ट होती हैं, जबकि कुछ एक्सरे प्लेन ए ए को भेद कर प्लेन बी बी में उपस्थित कणों से डिफ्रैक्ट होते हैं। इसी प्रकार अन्य प्लेन से भी डिफ्रैक्ट होती हैं। तो इस प्रकार क्रमागत तलों से डिफ्रैक्टेड रे जब सेम फेज में होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं। समझ में आया आपको, ये आपने क्रिस्टल प्लेन लिया है। अब इसमें ये ए ए बी बी और सी सी क्रिस्टल के लैटिस प्लेन है और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब एक्स रे का एक मोनोक्रोमेटिक समानांतर किरण पुंज क्रिस्टल पर थीटा एंगल से आपतित होता है। कुछ एक्स रे प्लेन ए ए में उपस्थित पार्टिकल द्वारा डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, जबकि कुछ जो रे हैं वो ए ए प्लेन को भेद कर बी बी प्लेन में उपस्थित कणों से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अन्य तलों से भी डिफ्रैक्ट होती हैं। तो इस प्रकार क्रमागत तलों से जो डिफ्रैक्टेड रे होती हैं जब वो सेम फेज में होती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे प्राप्त हो जाते हैं, और अगर वो अपोजिट फेज में होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इन ये जो रेज हैं इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो दो रेज आपकी कौन सी मान लीजिए, दो पैरेलल रेज आपने ली, कौन सी पी एन, ये आपका एन पॉइंट है, दिस इज एन, पी एन और क्यू टी,
एक AA प्लेन है और एक आपका ये BB प्लेन है। इन QT क्रमागत तलों पर स्थित पार्टिकल क्या करते हैं, N पर थीटा एंगल बना रहे हैं और ये T पर थीटा एंगल बनाते हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। इन पार्टिकल द्वारा क्रिस्टल प्लेन AA व BB से थीटा एंगल से NR और TS डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो जाता है। मतलब ये इस प्लेन पे PN और ये इस पे इंसिडेंट हो रही है, थीटा एंगल बना रही है N और T पर, और फिर ये AA प्लेन से डिफ्रैक्ट हो गया और ये BB प्लेन से डिफ्रैक्ट हो गया, तो ये आपका आ गया। अब आपके पास NR और TS डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाती है। अब आप NL, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है NL QT रेस पे, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला है TS रेस पे। NM भी परपेंडिकुलर है, NL भी परपेंडिकुलर है। NL परपेंडिकुलर है QT रेस पे और NM परपेंडिकुलर है आपका TS रेस पे। तो जो हमारी ये दो रेज हुई, कौन कौन सी, PNR और दूसरी हुई QTS, इन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? तो इन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने यहाँ से डाला परपेंडिकुलर इस पर और यहाँ से डाला परपेंडिकुलर इस पर। तो ये हमारे पास ये रेज हैं। तो अब इसके बाद जब मैं इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई, और इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों रेज आपकी पैरेलल हो गई। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, इस और इस रेज के बीच में PNR और QTS, तो ये आपका हो गया LT प्लस TN। क्या पाथ डिफरेंस हुआ, LT प्लस TN, तो ये इसका पाथ डिफरेंस हो गया LT प्लस TN। अब दोनों प्लेन के बीच की दूरी कितनी है, D, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये AA प्लेन है और ये इसका पार्टिकल है, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, ये D के बराबर है। अब हमने दो ट्राइंगल लिए, फ्रॉम ट्राइंगल एक तो आपका बना ये LNT, ये वाला देखिए, ये वाला ट्राइंगल बना आपका LNT, और एक आपका बना NMT, LNT और NMT। तो LNT ट्राइंगल से देखिए, LNT ट्राइंगल से देखिए आप, LT अपॉन NT, LT अपॉन NT, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में देखिए, NM अपॉन NT साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के, लंब बटा कर्ण, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा के बराबर, और इधर भी ये आपके पास आ गया साइन थीटा के बराबर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, दोनों ट्राइंगल से LT बटा NT इज इक्वल टू साइन थीटा, MT बटा NT इज इक्वल टू साइन थीटा। तो LT बराबर NT आपने लिया है D, NT हमने किसके बराबर लिया है, NT हमने लिया है, ये NT है, ये आपके बराबर हो गया D के, तो आपके पास दिस इज इक्वल टू D साइन थीटा। इसी तरीके से NM इज इक्वल टू, यहाँ पर भी NT है, D साइन थीटा, तो आपके पास LT बराबर भी D साइन थीटा आ गया, MT बराबर भी D साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस LT प्लस TM आ गया आपके पास D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो अभी हमने बोला कि ये अगर डिफ्रेक्टेड रेज जो हैं सेम फेज में हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा क्या बनाएंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे आपका। तो ये आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस आपका कितना है, 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एंड दिस इज योर ब्रेक्स इक्वेशन। ये आपकी ब्रेक इक्वेशन आ गई, 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रिलेशन बिटवीन इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस D, रेनफोर्स यानी कि पृष्ठ सर्पी एंगल थीटा, जो प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है, और एक्सरे की वेवलेंथ। तो ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रेक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस D, रेनफोर्स एंगल थीटा एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की किसी भी वेवलेंथ लैम्डा के लिए D की वैल्यू मिनिमम होगी, तो D की वैल्यू यहाँ से निकालिए, एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा।
अब डी की वैल्यू अगर हमें मिनिमम करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. तो द फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1. तो डी मिनिमम आपके पास क्या आ गया? एन लैम्डा बराबर 2. तो और अगर हम एन बराबर 1 ले लेंगे तो डी मिनिमम किसके बराबर आ गया? लैम्डा बाई 2. तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, डी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. तो एक क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त करने के लिए लैटिस प्लेन के बीच की दूरी या तो लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए. डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको तभी मिलेगा जबकि जो आपकी डी की वैल्यू है लैटिस प्लेन के बीच की दूरी जो दूरी है वो लैम्डा बाई 2 हो या उससे ज़्यादा हो. लैम्डा बाई 2 से कम होगी तो आपको क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त नहीं होगा. मिनिमम कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए. अब कंडीशन फॉर एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल्स. तो किसी भी क्रिस्टल द्वारा एक्सरे के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ताकि क्यों होनी चाहिए दो कंडीशन? सब इसलिए सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे कि मोमेंटम व एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई हो सके. मान लीजिए कि ओमेगा जो है आपके पास वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे है और के क्या है आपका? वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. तो एनर्जी क्या हो गई इंसिडेंट रे की? एच क्रॉस ओमेगा. मोमेंटम क्या हो गया? एच क्रॉस के. डब्लू डैश क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एट स्कैटर्ड क्रिस्टल, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेज. ओमेगा डैश. के डैश क्या है? वेव प्रोपेगेशन वैक्टर स्कैटर्ड रेज का. तो एनर्जी कितनी हो गई स्कैटर्ड की? एच क्रॉस ओमेगा डैश. और मोमेंटम कितना हो गया? एच क्रॉस के डैश. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? अगर आपका इलास्टिक स्कैटरिंग है क्रिस्टल के फ्रॉम क्रिस्टल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा. यानी कि बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग. बिफोर स्कैटरिंग एनर्जी कितनी है आपकी? एच ओमेगा. आफ्टर स्कैटरिंग कितनी है? एच क्रॉस ओमेगा डैश. तो ओमेगा बराबर ओमेगा डैश. यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेज. तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इक्वल होगी. बट वी नो ओमेगा बराबर क्या होता है? सी के. तो ओमेगा डैश बराबर सी के है वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओमेगा डैश क्या हुआ? सी डैश सी के डैश. इट मीन्स के बराबर के डैश. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेव प्रोपेगेशन वैक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रे विल बी इक्वल. दोनों क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे. तो आपकी ये तो आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? फर्स्ट कंडीशन हो गई. तो फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या है? इलास्टिक स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने निकाल लिया एच ओमेगा बराबर एच ओमेगा डैश आ गया. ओमेगा बराबर ओमेगा डैश. ओमेगा बराबर सी के होता है तो के बराबर के डैश आ गया. यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्स रे विल बी इक्वल. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेव प्रोपेगेशन वैक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रे विल बी इक्वल. तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये जैसे मैंने आपका लिया ये डिफ्रैक्टेड ये आपके पास है एक्स रे इंसिडेंट हो रही है क्रिस्टल पर जिसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा वेव प्रोपेगेशन वैक्टर आपका के है और ये आपके पास क्या हो गया एच क्रॉस के इंसिडेंट हुई. फिर ये डिफ्रैक्ट हो गई. फ्रिक्वेंसी क्या हो गई इसकी? ओमेगा डैश और एच आपके पास के डैश इसका ये आ गया. तो इसका यहाँ से ये होने के बाद इसका डिफ्रैक्शन हो गया. और उसके बाद क्या होता है कि जो क्रिस्टल है वो स्वयं एच जी मोमेंटम से रिकॉयल हो जाता है. जो क्रिस्टल है वो स्वयं एच जी मोमेंटम से क्या हो जाता है? रिकॉयल हो जाता है. तो ये रिकॉयल ऑफ वेव वेक्टर फॉर क्रिस्टल, ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे और ये आपकी एक्सरे इंसिडेंट. जी क्या है आपका? रिकॉयल वेव वेक्टर है क्रिस्टल का, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव वेक्टर. फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर. तो बिफोर तो आपका क्या है? एच क्रॉस के. आफ्टर क्या हो गया? के डैश एच के डैश माइनस एच जी. तो के डैश बराबर क्या आ गया? के प्लस बी. इसको स्क्वायर करेंगे तो के डॉट के अगर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो के स्क्वायर प्लस टू के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर. अभी हमने देखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव
प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रे बराबर होता है, तो के बराबर के डैश है, तो आपके पास ये क्या हो गया, 2k.g प्लस के बराबर के डैश के, तो ये के स्क्वायर जी आपके पास आ गया, और ये आ गया प्लस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, तो के बराबर के डैश, तो ये हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ये दोनों इक्वल हो गए, तो 2k.g प्लस जी स्क्वायर बराबर, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड कंडीशन। तो आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी अपन जो भी हम पैटर्न है ब्रेक्स का वो हम देख सकते हैं, कभी मतलब स्कैटरिंग के लिए कंडीशन फॉर एक्सरे स्कैटरिंग क्रिस्टल। तो क्रिस्टल द्वारा एक्सरे के लिए निम्न दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि स्कैटरिंग के समय मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई कर सके। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट था जो ख़त्म हो गया है, इसमें आपके सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ब्रेक्स लॉ, ब्रेक्स इक्वेशंस, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक स्ट्रक्चर, पैकिंग फ्रैक्शन, सब कुछ हमने निकाल लिया है। और इसमें अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस इसके सॉल्व कीजिएगा, मैं आपका उसका टेस्ट पेपर बना के दूंगी, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टर्न पे हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।